विदेश जान दे सुपनिया नु देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका आज के इस खास वीडियो में। सबसे ज्यादा सवाल जो आज की डेट में कनाडा वाले स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है कि वीजा आने में कितनी देर लग रही है और उसके बाद स्टैंपिंग में कितना टाइम लग रहा है। ये दोनों सवाल आज आपके इस वीडियो में आंसर होंगे, बहुत पिन पॉइंटेड जवाब रहेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। तो कनाडा प्रोसेसिंग टाइम, इसके ऊपर एक बड़ी कंफ्यूजन लगातार बनी हुई थी, बट इसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है। न्यू सिस्टम के अंदर भी डिप्लोमेट्स के जाने के बाद भी, उनके नए ऑफिस से काम शुरू करने के बाद जो प्रोसेस टाइम है वो आपका एक महीने से ऊपर नहीं जा रहा है। फाइल डिसीजन की बात कर रहा हूं यहां पर मैं स्टैंपिंग की बात नहीं कर रहा। तो मतलब जब आप फाइल ऑनलाइन लॉन्च कर देते हो, बायोमेट्रिक्स कर देते हो, ये नॉर्मली पहले टाइम 2 वीक तक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। डर था, आशंका थी कि ये 2 महीने तक जा सकता है, बट नहीं, ये कम से कम जो मिनिमम है अभी वो 4 वीक्स के अंदर अंदर ही रुका हुआ है। सो दैट इज अ गुड पार्ट कि आप कनाडा स्टडी वीजा अभी भी अपना टाइम से हासिल कर सकते हैं। इवन फॉर जनवरी इनटेक यू कैन प्रोसेस योर एप्लीकेशंस। और इसके अलावा जो स्टैंपिंग पीरियड है वो डेफिनेटली बढ़ चुका है। वो जो स्टैंपिंग पीरियड पहले 2 वीक का था वो अब कहीं ना कहीं 3 से 4 वीक का समय ले रहा है। इतना टाइम कनाडा स्टैंपिंग के अंदर लग रहा है, चाहे वो स्टैंपिंग टूरिस्ट वीजा की है चाहे स्टडी वीजा की है, बट स्टैंपिंग प्रोसेस लंबा है क्योंकि पूरे इंडिया की स्टैंपिंग सिर्फ दिल्ली में हो रही है। एक ही काउंसलेट है जहां पर सारी स्टैंपिंग प्रोसेस चल रहा है, जिसके कारण ये सारा जो डिले है वो चलेगा और ये डिले अभी और कुछ समय या कुछ महीने चल सकता है। सो आई एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स की जो भी अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, आपके डिसीजंस आपको 1 मंथ के अंदर अंदर मिल जाएंगे। स्टैंपिंग के लिए आपके पास तकरीबन 1 मंथ और चाहिए। तो चाहे आप जैन इनटेक की फाइल लगा रहे हैं, मे इनटेक की भी लगा रहे हैं, बहुत जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें। जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ज्यादा सेफ रह सकते हैं। और दूसरा, इस समय जो कनाडा का सक्सेस रेट ऑफ वीजा है वेरी वेरी हाई, अगर आपका केस एसडीएस केस है। जी हाँ, अगर आपका केस 6 ओवरऑल वाला है, 60 ओवरऑल वाला है, तो आप ये मान के चले कि आपका वीजा आने वाला है। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर राइट कोर्स सिलेक्शन, राइट कॉलेज सिलेक्शन और राइट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन वीजा सक्सेस रेट इस टाइम परसेंटेज के कारण बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा। पहले बहुत से बच्चे कम परसेंटेज के कारण अफेक्ट होते थे, लेकिन वो चीज अब कहीं ना कहीं कम दिख रही है और सिर्फ एसडीएस होने से ही आपको रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिवली रिसीव हो रहे हैं। सो डू नॉट डिले योर एप्लीकेशंस, इमीडिएटली ब्रॉडवे टीम से आप मिल सकते हैं, पैसे दे सकते हैं सारे वीजा लगने के बाद और निश्चिंत और बेफिक्र होकर अपना वीजा हासिल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम रेगुलरली कनाडा पे वॉच रख रहे हैं, कनाडा की एक एक अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपडेट्स ही नहीं, कुछ इंटरप्रिटेशंस भी हमारे एक्सपर्ट्स रेगुलरली आपके साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि जो कनाडा चेंजेस कर रहा है इस वक्त इतने फास्ट हैं, इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि उन्हें समझने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है। सो नेक्स्ट ईयर से भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस कनाडा लेकर आ रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि कनाडा के इन चेंजेस से आप अपडेटेड रहें तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो विदेश जाने के सपने देवेगा हकीकत की उड़ान।